आज के वीडियो में हम लोग भारत के पंजाब राज्य में बहने वाली पांच प्रमुख नदियों में से एक नदी ब्यास नदी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्यास नदी भारत के पंजाब राज्य की पांच प्रमुख नदियों में से एक नदी है और यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगर दोस्तों हम लोग ब्यास नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इस नदी का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रा के पास में ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई से हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और अगर हम लोग इस नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 256 किलोमीटर और पंजाब में इसकी लंबाई 214 किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्यास नदी को संस्कृत भाषा में बिपाशा नदी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम लोग ब्यास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इस नदी के अनेकों सहायक नदियां हैं जिनमें से पार्वती नदी, उरहल नदी, बाणगंगा नदी, सैज नदी, लूनी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ब्यास कुंड से निकलती है और यह कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित रोहतांग दर्रे पर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नदी रोहतांग दर्रे से कुल्लू घाटी से होकर बहती है और कांगंडा घाटी तक जाती है। दोस्तों इस नदी के किनारे वशिष्ठ गर्म पानी का झरना और कलक गर्म पानी का झरना और इस नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी, इसीलिए इस नदी का नाम महर्षि वेद व्यास के नाम पर ब्यास नदी रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नदी का पानी सतलुज नदी के पानी की तुलना में बहुत ही धीमी धारा में बहती है। इस नदी का प्रमुख ऐतिहासिक महत्व यह है कि इस नदी के किनारे ही सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण को रोक दिया था और फिर सिकंदर अपनी मातृभूमि पर लौट गया था। अगर दोस्तों हम लोग ब्यास नदी के किनारे पर्यटन स्थल की बात करें तो इस नदी के किनारे अनेक पर्यटन स्थल है जिनमें से हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में से कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अनेक मंदिर, अनेक सेब के बगान हैं, जिससे हजारों पर्यटक कुल्लू की तरफ आकर्षित होते हैं और यह जगह गर्मी के मौसम के लिए एक मनपसंद जगह है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मनाली भी इसी नदी के किनारे स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन मनाली है। ब्यास नदी भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में हरी का पतन नामक स्थान पर सतलुज नदी में समाहित हो जाती है। यानी कि दोस्तों ब्यास नदी सतलुज नदी की एक सहायक नदी है और आगे चलकर सतलुज नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।